नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रीजी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सोनिधि, आज आपको कक्षा 7 के इकाई नंबर 4 कथनी और कर्णी का अभ्यास कराऊंगी। यह एक निबंध है जिसमें बताया गया है कि मानव जीवन प्रभु की अनमोल देन है। सभी प्राणियों में मनुष्य को ही प्रभु ने विशिष्ट शक्तियाँ प्रदान की है, जिसके कारण वह संसार में बहुत ही अच्छे ढंग से जीवन यापन कर सकता है। मगर हर व्यक्ति हर समय सही काम नहीं करता, कई बार मनुष्य करता कुछ है और करता कुछ और भी है। कथनी और कर्णी के ऐसे कई उदाहरण इस निबंध में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ बनाया है, कई गुणों से उसे सवारा है। सभी प्राणियों में मनुष्य ही प्रभु की विशिष्ट देन है, जिसके कारण प्रभु ने उसमें कई गुण भरे हैं, जिसका उसे अभिमान भी होता है। कई अच्छे गुण होने के कारण कई बार व्यक्ति में अभिमान आ जाता है कि उसमें यह अच्छा गुण है, परंतु स्वयं को गुणों की खान समझने वाला व्यक्ति कई बार ऐसे कार्य करता है जिन्हें वह गलत बताता है। गुणों की खान समझना यानी कि सभी अच्छे गुण उसी में भरे पड़े हैं ऐसा मानने वाला व्यक्ति खुद कभी ऐसा काम कर जाता है जिसे वह गलत बताता है। कथनी और कर्णी के अंतर के ऐसे कई उदाहरण रोज देखने में आते हैं, यानी कि व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ और भी है, ऐसे उदाहरण हमें रोज देखने को मिलते हैं। यहाँ सबसे पहला उदाहरण है, बस्ती के बीच सरकार ने पार्क बनाने की जगह छोड़ रखी थी, यानी कि बस्ती के बीच जहाँ सभी लोग रहते हैं उस बस्ती में पार्क बनाने के लिए सरकार ने जगह छोड़ रखी थी। बरसात के मौसम में मोहल्ले के एक सज्जन को उसमें फूलों के पौधे लगाने की सुझे। बरसात का मौसम आया था, तभी एक सज्जन यानी कि अच्छे गुणों वाले व्यक्ति को सूझा कि वहाँ वह फूल लगा दे। बात अच्छी थी, उनकी फूल लगाने की बात अच्छी थी, इसलिए वे कहीं से पौधे लाए, कतार में उन्हें रोपा, देखभाल की, पौधे बड़े हो गए। फूल लगाने की बात अच्छी लगने के कारण वे कहीं से उसके पौधे ले आते हैं, उसे कतार में यानी कि एक लाइन में उसे रोप देते हैं और उन्हें अच्छे से देखभाल करते हैं, जिसके कारण कुछ दिनों बाद फूल खिलने लगे, पार्क अच्छा लगने लगा। अच्छे से देखभाल होने के कारण कुछ ही दिनों में पौधे पर फूल आ गए, जिसके कारण पार्क अच्छा लगने लगा। मोहल्ले के लोग सुबह शाम पार्क में टहलने लगे, मोहल्ले यानी कि उस एरिया के लोग उसी पार्क में सुबह शाम टहलने यानी कि आने लगे। फूल सबको अच्छे लगते हैं, बच्चे हो बूढ़े हो सभी को फूल बहुत अच्छे लगते हैं। पार्क में लोगों के आने जाने से उन्हें यह लगा कि लोग इन फूलों को तोड़कर ले जाएंगे। जिस सज्जन को फूल लगाने का विचार आया था उन्हें चिंता होने लगी कि इतने सारे लोग पार्क में आ रहे हैं तो उसके कारण कहीं वह ये फूल तोड़कर ले न जाए। उन्होंने एक तख्ती के ऊपर यह लिखकर टांग दिया कि फूल तोड़ना मना है। इसलिए उन्हें विचार आया और उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया जिसके ऊपर उन्होंने यह सूचना लिखी थी कि फूल तोड़ना मना है। आते जाते सब लोग उसको पढ़ते, कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता। सज्जन ने खुद बोर्ड लगाया था, इसलिए आते जाते लोग उस सूचना का पालन करते थे और कोई भी फूलों को नहीं तोड़ता था। पर मजे की बात तब सामने आई जब लोगों ने तख्ती लगाने वाले सज्जन को बड़े सवेरे फूल तोड़ते देखा। एक बार सभी लोगों ने उस व्यक्ति को ही जल्दी जल्दी सवेरे फूल तोड़ते देखा। वे अपनी शर्म मिटाने के लिए बोले, पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। अब उन्हें ऐसा लगा कि ये लोग जान गए हैं कि वे खुद फूल तोड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें शर्म आने लगी, वे शर्मिंदा होने लगे और अपनी शर्म मिटाने के लिए बोलते हैं कि फूल पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। दूसरा प्रसंग है, बसों में लिखा होता है धूम्रपान करना निषेध है। बसों में कई सूचना लिखी होती है, इसमें एक होती है कि धूम्रपान करना मना है यानी कि धूम्रपान नहीं करना है। एक बार यात्रा करते हुए देखा कि एक यात्री ने बीड़ी जलाई और पीने लगा। एक बार लेखक जो है वह यात्रा कर रहे थे बस में और उन्होंने देखा कि एक आदमी बस में सूचना लिखी है उसके बाद भी बीड़ी सिगरेट जलाकर पीने लगता है। उसे देखकर कंडक्टर ने कहा, उसे यह बीड़ी पीते देखकर कंडक्टर ने उससे कहा कि भाई साहब बस में बीड़ी सिगरेट पीना मना है। उसने जल्दी बीड़ी खिड़की से बाहर फेंकवा दी। उसने सूचना के अनुसार उस व्यक्ति से जल्दी बीड़ी खिड़की के बाहर फेंकवा दी। थोड़ी देर
बार कंडक्टर ड्राइवर के केबिन में जाकर बैठा, सिगरेट जलाई और दोनों पीने लगे। यह घटना बनती है उसके थोड़ी ही देर बाद कंडक्टर खुद ड्राइवर के केबिन में जाकर, यानी कि जहाँ ड्राइवर की जगह होती है वहाँ जाकर बैठ जाता है और दोनों साथ में सिगरेट पीने लगते हैं। एक दूसरे यात्री ने यह देखा तो लिखे हुए वाक्य की तरफ इशारा करते हुए कंडक्टर से कहने लगा। अब यह देखकर एक दूसरे व्यक्ति को आश्चर्य होता है और वह वाक्य की ओर इशारा करते हुए कंडक्टर से कहता है, भाई साहब बस में सिगरेट पीना मना है। वह भी कंडक्टर से कहता है कि बस में सिगरेट पीना मना है। इस पर कंडक्टर शीघ्र बोला, यानी कि जल्दी जल्दी कंडक्टर जवाब देता है, यह वाक्य आपके लिए है ना कि हमारे लिए, यानी कि बस में की सूचना सिर्फ यात्रियों को लागू पड़ती है, उसमें मुसाफरी करने वाले लोगों को ही लागू पड़ती है, कंडक्टर और बस ड्राइवर को नहीं। तीसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति दुकान पर गया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहाँ सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। दुकान के सामने या कहीं भी सड़क पर स्कूटर या कोई भी वाहन खड़ा नहीं करना चाहिए। इसलिए एक दुकान पर सज्जन व्यक्ति जाता है तो दुकानदार उससे कहता है कि आप यहाँ स्कूटर खड़ा न करें, स्कूटर खड़ा करने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। उस सज्जन व्यक्ति ने कहा, मुझे बहुत देर तक नहीं रुकना है। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। यानी कि जो दुकानदार था वह अच्छा व्यक्ति लग रहा था, इसलिए उसने कहा कि बीच सड़क पर हमें कोई भी वाहन पार्क नहीं करना चाहिए। सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगा। सज्जन ने उस दुकानदार की बात मान ली और वहाँ से स्कूटर हटाकर वह पार्किंग या जहाँ स्कूटर खड़ा करना होता है वहाँ जाकर रख के आता है और वापस सामान खरीदने लगता है। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया, स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इसके कुछ ही देर बाद एक लड़का आता है और दुकान के सामने ही अपना स्कूटर खड़ा करके वह दुकान के अंदर आ जाता है। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? यह देखकर उस सज्जन ने कहा कि आपने इस लड़के को क्यों स्कूटर वहां खड़ा करने दिया, आपने इसे मना क्यों नहीं किया? तब वह दुकानदार कहता है कि यह तो मेरा बेटा है, इसलिए अपने बेटे को मना नहीं कर सकता। यानी कि ऐसा लगता है कि नियम सबके लिए अलग अलग बनाए गए हैं, अपने बेटे के लिए नहीं और दूसरे व्यक्ति के लिए होते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वे आदर्श भूल जाते हैं। आदर्श की सिर्फ बातें नहीं करनी चाहिए, हमें उन्हें अपने जीवन में उतारना भी होता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जब उन्हें अपनाना पड़ता है तब वे आदर्श को ही भूल जाते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग आगे दिया गया है। एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिल गया है। दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था। एक दिन की बात है, दो मित्र अपने घर में बैठकर बातचीत कर रहे थे, इतने में ही घंटी बजती है और वह खिड़की से देखने जाता है कि कौन आया है। वे देखते हैं कि बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। व्यक्ति का उस जो जिसके घर में वह रहता था वह मकान मालिक किराया लेने के लिए बार बार उसके घर आ जाता था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेजा, मकान मालिक को किराया न देना पड़े, इसलिए वह व्यक्ति अपने बेटे को एक बात बोलकर बाहर भेजता है। बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे कहा, बाहर बच्चा बाहर जाता है तो मकान मालिक उससे कहता है कि तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। मकान मालिक बच्चे से बात करता है कि तुम्हारे पिता को बुलाओ, मैं किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, यानी कि बच्चे ने जल्दी से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है कि वे घर पर नहीं। बच्चे ने अच्छी तरह से सही जवाब दे दिया कि पिताजी ने ही कहा है कि वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। ऐसी बात सुनकर हंसी वाली बात और जिसके कारण जो व्यक्ति था उसे भी शर्म आने लगे। इसके कारण मकान मालिक को
आगे है, एक सज्जन ने अपने पोते को यह सिखाया था कि हमें कभी किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, सदा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हम सभी लोग सभी को सिखाते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है कि हमें कभी भी कोई भी काम गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। जब वो हमारी बारी आती है तब तक हमें प्रतीक्षा यानी कि इंतजार करना चाहिए। ऐसा ही एक प्रसंग है, सज्जन ने अपने पोते को जो कि बहुत ही छोटा था उसे बहुत अच्छे से सिखाया था कि हमें भी अपना काम अपनी बारी का इंतजार करना चाहिए। एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए थे। एक दिन की बात है, वे यानी कि बिजली और पानी का बिल जमा कराने गए थे, तब अपने छोटे से पोते को भी साथ ले गए थे जो कि सिर्फ 8 वर्ष का था। बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। अब बिल जमा कराने में कई व्यक्तियों की लाइन कतार यानी कि लाइन थी, तो उन्होंने उस लाइन में खड़ा करने के बजाय कुछ उपाय सोचा। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा। जो लोग कतार में आगे खड़े थे उन्हें वे देखने लगे। आगे ही परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वे